गोभी बनाएंगे आज, और हमने इस गोभी का नाम रखा है सुल्तानी गोभी। रीज़न ये कि ये सारे शाही मसालों से बनती है, तो इसके लिए मैंने देखिए इतने बड़े बड़े फ्लावरेट्स गोभी के निकाल लिए हैं। एक बड़ी गोभी थी मेरे पास, बड़े बड़े फ्लावरेट्स निकाल लिए हैं। और यहाँ पे मैंने पानी बॉईल करना रखा है, ये बॉईल करके बॉईल पानी में साथ के साथ ही मैं 1.5 चम्मच जितना नमक डालूंगी, क्योंकि इसको गोभी को हमने बॉईल करना है। और नमक डालने से सारी इम्प्योरिटीज भी निकल जाएंगी और थोड़ा सा गोभी में भी नमक आ जाएगा। तो इसको मैं डाल देती हूँ, साथ के साथ बॉईल करेंगे और तब तक पकाएंगे जब तक ये एटलीस्ट हाफ पक नहीं जाते। अब इसको रख दे, छोड़ देते हैं बॉईल होने के लिए, और जब तक आधी पकती है तब तक इसको बॉईल होने देंगे। बीच बीच में चम्मच से इसको हम चलाते रहेंगे, उसके बाद फिर बनाना शुरू करेंगे। गोभी हमारी हाफ बॉईल हो गई है और मैंने इसको छान के रख लिया है, तो अब हम इसको बनाना शुरू करते हैं। मैंने गैस पर ये कढ़ाई रखी है और इसमें देसी घी डालूंगी 2 टेबल स्पून के करीब। पिघल जाएगा तो फिर बनाएंगे। ये देखिए घी हमारा पिघल गया है। मैंने अदरक लहसुन और लाल मिर्च का पेस्ट बना के रखा था। आप चाहे तो लाल मिर्च की जगह हरी मिर्च भी पीस सकते हैं, दोनों में से कोई भी मिर्च डाल सकते हैं आप। मैंने कलर की वजह से और थोड़ा सा तीखा हमें पसंद है, इसलिए लाल मिर्च का पेस्ट बनाया था। कम सेक है ये, अब मेरा ये डाल दिया मैंने, और 2 तेज पत्ता डाल दूंगी, 1 काली इलायची और 2 हरी इलायची, और इसको हम 1 चम्मच जीरा भी डालेंगे और इसको जरा तड़कने देंगे जीरा को, उसके बाद हम इसको मिक्स करना शुरू करेंगे। 1 चम्मच जीरा है ये थोड़ा सा ये इलायची और जीरा हल्का सा ब्राउन होने लगेगा तो मिक्स करना शुरू करेंगे। अभी इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, क्योंकि कम सेक पे है तो जलेगा नहीं। इलायची को भी थोड़ा इसमें कर देते हैं तेल की तरह घुमा के। ये देखिए जीरा हल्का हल्का ब्राउन होना शुरू हो गया। अब हम ये सारे मसाले मिक्स कर देंगे और इसको तब तक पकाएंगे जब तक कि अदरक लहसुन की जो रॉ स्मेल है वो चली नहीं जाती। थोड़ा पक जाएगा अदरक लहसुन अच्छे से, उसके बाद हम बाकी इसमें मसाले डालेंगे। ये अदरक लहसुन की रॉ स्मेल चली गई है और मसाले भून भी गए हैं, तो अब मैं इसमें एक बड़ा बारीक कटा हुआ प्याज डाल रही हूँ और उसको ट्रांसल्यूसेंट होने तक हम भूनेंगे। मैंने सेक मीडियम कर दिया है और मीडियम सेक पर ही इसको ट्रांसल्यूशन होने तक भूनेंगे। देखिए प्याज हमारे ट्रांसल्यूशन हो गए हैं और अब मैं इसमें शिमला मिर्च डालकर 1 से 2 मिनट तक इसको पकाऊंगी कम सेक करके। थोड़ा पहले मीडियम सेक था, अब लो मीडियम कर देंगे और 1 से 2 मिनट तक पकाएंगे। मैंने थोड़ा कम कर दिया है, मिक्स कर लेंगे अच्छे से और 1 से 2 मिनट तक पकाकर फिर इसमें हम टमाटर का पेस्ट डालेंगे। हमने टमाटो पेस्ट बना लिया था, यानी कि प्यूरी मिक्सी में, और वही डालेंगे। तकरीबन हमने 3 मीडियम और 1 लार्ज टमाटर डाला था। शिमला मिर्च को पकते हुए 2 मिनट हो गए हैं, अब हम इसमें टमाटर का पेस्ट डाल देंगे।
अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसको। मैंने वापस सेब को मीडियम कर दिया है और इसमें अब हम डालेंगे हल्दी। कश्मीरी लाल मिर्च दो चम्मच, इतना सूखा धनिया, और स्वाद अनुसार नमक। मिक्स करके तब तक पकाएंगे इसको जब तक कि मसालों से तेल नहीं निकलने लगे। एक चीज जो हम मिक्स करना भूल गए थे वो था जीरा पाउडर, तो मैं एक चम्मच यहाँ पे जीरा पाउडर भी डाल रही हूँ। और जैसा कि मैंने कहा, अब इसको मिक्स करके हम पकाएंगे तब तक जब तक कि इसमें से ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता। तो हम अब सेक तेज कर सकते हैं क्योंकि ऑयल सेपरेट करना है, तो फटाफट से पकाने के लिए हम इसको तेज सेक पे करके और फटाफट से जल्दी जल्दी चलाते जरूर जाएंगे, नहीं तो चिपकने का डर रहेगा। ये घी सेपरेट होने लगा है देखिए साइड से। तो अभी हम इसमें सबसे पहले काजू का पेस्ट डालेंगे 3 चम्मच, दही डालेंगे हम, तो देखिए ये 3 टेबलस्पून जितनी हमने दही फेंट के रख ली थी ये डाल देंगे। इसमें 2 बूंद पानी डाल के और ये सारी दही निकाल लेंगे हम। दही निकल गई हमारी सारी, मिक्स करेंगे अच्छे से। 2 चम्मच जितनी क्रीम डालेंगे, 2 टेबलस्पून जितनी, मिक्स कर देंगे इसको। अब हम इसमें कसूरी मेथी डाल देंगे 1 चम्मच, 1 टेबलस्पून, और 1 चम्मच डाल देंगे गरम मसाला। 1 चम्मच भी नहीं, मैंने 3/4 स्पून डाला। मिक्स करेंगे अच्छे से इसको। गोभी डाल देंगे और अच्छे से इसको मिक्स करेंगे ताकि गोभी सारी की सारी इस मसाले से कवर हो जाए। सेक कम कर देंगे। और अब हम इसको कम सेक पर ढककर 8 से 10 मिनट तक पकाएंगे। बीच बीच में देखते रहेंगे, अगर गोभी पक गई तो बंद कर देंगे, नहीं तो 8-10 मिनट तो पकेगा ही पकेगा। ढक्कन लगा देंगे इसको। और इसको अब पकने के लिए छोड़ देंगे। सुल्तानी गोभी हाजिर है आपके लिए, नौश फरमाइए और पराठे के साथ लीजिएगा और ज़्यादा स्वाद लगेगी। बनाइए इसको, खाइए और लाइक कीजिए हमारे वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। कीप ऑन कमिंग बैक, कीप ऑन वॉचिंग। थैंक यू सो मच, बाय बाय।